पटना गया मुख्य मार्ग पर जहानाबाद के पास सुबह सुबह एक हादसा हो गया। पटना से गया जा रही बौद्ध भिक्षुओं की गाड़ी बुधवार की सुबह जहानाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हवा की टक्कर से टूरिस्ट बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में 8 पर्यटक घायल हुए हैं। बता दें कि यह घटना करोना थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के समीप की है। हादसे के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 बौद्ध भिक्षुओं को गहरी चोट लगी थी जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने PMCH रेफर कर दिया। मिल रही जानकारी के अनुसार नेपाल से पटना होते हुए बौद्ध भिक्षुओं से भरी टूरिस्ट बस बौद्ध गया जा रही थी। अचानक जहानाबाद के सलेमपुर गांव के समीप ये हादसा हुआ है। घटना के संबंध में टूरिस्ट गाइड शिव शंकर ने स्थानीय मीडिया को बताया कि बस में 23 बौद्ध भिक्षु नेपाल से बौद्ध गया लौट रहे थे। बता दें कि टूरिस्ट गाइड ने बताया कि सदर अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा है। सदर अस्पताल के चिकित्सक BK शाही ने बताया कि सड़क हादसे में 8 टूरिस्ट यात्री घायल हुए हैं। इनमें 3 की हालत गंभीर है जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर किया जा रहा है। रोड एक्सीडेंट का है, ये का है, ये है। बारे लोग हैं, सर्थी वर्थी है, क्या है जो से? पीछे से 8 लोग हैं। 2-3 लोग का CT स्कैन है, 2-3 लोग का हेड इंजरी है चुको और बाकी सबका जो है नॉर्मल है। और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई, सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। इस मामले में पुलिस अधिकारी नंद कुमार ने बताया कि हाइवा ने टूरिस्ट बस में टक्कर मारी है और इस घटना में 8 यात्री घायल हैं जबकि बस में सवार अन्य यात्री सुरक्षित हैं। वो सलेमपुर के पास गाड़ी सूचना मिली, ये लोग ट्रेवर बस से आ रहे थे, वो हाइवा वाला शायद ओवरटेक करने में मारा है धक्का तो जाके खड्डा में गिर गया। तो हम लोग इमिडिएटली वहाँ पहुंचे हैं और जो लोग थे इंजर्ड लोग उन लोग को ला के हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं, बाकी लोग जो सुरक्षित हैं वहाँ पे सुरक्षित हैं। लगभग 7-8 आदमी घायल हैं। ये लोग आ रहे थे पटना तरफ से ही, ये लोग गया शायद बता रहे हैं, पूछे ये लोग से तो बताए कि गया जाना है, स्टे लोग वहीं किए हुए मतलब वहीं रुकेंगे। नहीं नहीं बौद्ध भिक्षु जो होते हैं ना वही हैं ये लोग, वही वही। अभी फिलहाल ठीक है सब लोग, सब लोग का समुचित इलाज हो रहा है, अभी ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। हाइवा वाला तो पहले ही निकल गया, वहाँ भाग गया था। बस पे लगभग 25-30 आदमी, लेडीज जेंट्स मिला के लोग, सबका पहनावा एक ही तरह है, चेहरा भी तो पता नहीं चल रहा लेडीज कौन है जेंट्स, बाकी लगभग इतने लोग हैं वहाँ पे। और हाँ हाँ वहाँ पूछे हम लोग को कि आप लोग को इलाज के लिए और कितने लोग को जाना है, तो इतने लोग निकले और ये लोग का थोड़ा लैंग्वेज भी है, हम लोग का इंग्लिश भी ये लोग थोड़ा समझे जितना था उतना, इन लोग को लाके हम लोग यहाँ भर्ती कर दिए हैं, बाकी और लोग सब ठीक है। हम लोग आ रहे थे पटना साइड से, इन लोग का नेपाल का क्या बोलते हैं वीजा एक्सटेंशन करवाना था, तो नेपाल से घूम के आ रहे थे और आने समय एक ड्राइवर था जो ड्राइवर एक्सटेंड होने के बाद भाग गया, और क्या बोलते हैं जैसे ही गाड़ी लगा वो सब कुछ छोड़ा और वो खुद भाग गया, नहीं देख रहा है कि किसको क्या हुआ है। इसमें घायल है अभी लगता है 6-7 लोग घायल है, ये लोग आ रहे थे नेपाल से आ रहे थे वापस बोध गया जा रहे थे, ये सब कुछ म्यांमार के हैं, कुछ वियतनाम के हैं, कुछ USA के हैं, ये सब बुद्धिस्ट हैं। ये मंदिर का गाड़ी है उसी से आ रहे थे अपना, इसमें थे टोटल 23, गाड़ी तो बर्बाद हो गया, गाड़ी तो अभी तो उसको टाइम लगेगा बनने में, लेकिन जो चोट लगा इन लोग को लगा है एक क्या बोलते हैं उसको जो हाईवा आता है ना, ये गाड़ी चल रहा था साइड से ओवरटेक करने के चक्कर में उधर से आया कोना से मारा जो तीर से चला गया गाड़ी, तो फिर वो तो भाग गया, रुकेगा। ये मसौरी और जहानाबाद के बीच में पड़ता है सलेमपुर, वहीं पे मेरा नाम शिव शंकर कुमार, मैं इन लोग का ट्रांसलेटर हूँ। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।